अब हम आते हैं अंतिम बिंदु पर, और वो अंतिम बिंदु है कि राजनीति, समुदाय और धर्म। और यदि हम इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में क्रमबद्ध क्रमवार बात करें तो सर्वप्रथम धर्म, फिर उसके बाद समुदाय, फिर राजनीति। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी जो काल हमारे इस विषय का काल है, इस विषय का जो अध्ययन काल है, इस दौरान इसमें इनके संबंधों में कुछ परिवर्तन हुए और वो उसको समझना बहुत आवश्यक है संक्षिप्त में ही। प्रारंभ में धर्म, समाज और राजनीति तीनों एक ही सर्किल बोलें या एक ही अंग बोलें उसका विभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, यानी धर्म, फिर समाज और राजनीति एक के अंदर एक समाहित थे। समय और धर्म उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर था और धर्म का प्रभाव, धर्म का वर्चस्व, धर्म का दबदबा बना रहा, और समाज या समुदाय और राजनीति उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और 12वीं काल आते आते हम देखते हैं कि राजनीति का एक अलग स्थान हो गया, राजनीति अपने तय बिल्कुल स्वतंत्र हो गई, धर्म से अलग अब राजनीति हो गई और राजनीति का स्थान सर्वोच्च हो गया, धर्म का स्थान थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि अब उसके सर्वोच्च होने की शायद उतनी आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि धर्म ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था, अपनी नींव पक्की कर ली थी। तो अब राजनीति का स्थान सर्वोच्च हो गया और राजनीति जहाँ स्वतंत्र हो गई धर्म और समुदाय से स्वतंत्र, धर्म और समुदाय एक दूसरे से जुड़े रहे, स्वाभाविक है क्योंकि धर्म का ताल्लुका समाज से, समुदाय से होता है, तो धर्म और समुदाय एक दूसरे से संबंधित रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और राजनीति स्वतंत्र रही। इस्लाम धर्म और उनके राज्य की समय रेखा को थोड़ा सा हम एक सरसरी नजर से तेजी से देख लें, संक्षिप्तीकरण भी हो जाएगा और उसमें आपको सुविधा होगी। तो यदि हम शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म की तो उसकी बात शुरू होती है 610 ईस्वी। 610 ईस्वी के पूर्व अरब प्रायद्वीप में हनीफ मत था, ये आपको सबको बताया गया, हनीफ मत, और कबीलाई साम्राज्य था। पूरा जो अरब क्षेत्र था, अरब प्रायद्वीप था, जो आप नक्शे में देख रहे हैं, वो क्या था, कबीलाई साम्राज्य, सब कबीले थे। अब ये जो बात है हनीफ मत, वो 610 ईस्वी के पूर्व की बात है। 610 में इस्लाम का प्रवर्तन हुआ पैगंबर के द्वारा और फिर 22 वर्ष तक पैगंबर ने अपने प्रवचन, अपने उपदेश, अपने संदेश, अल्लाह के संदेशों से लोगों को जागृत किया। और 632 में पैगंबर की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके मृत्योपरांत ही उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। यशीदुन खलीफा व्यवस्था आई और जिसमें अली अंतिम खलीफा थे, चौथे खलीफा। इसके बाद इस्लाम में विभाजन और एक तरीके से राज सत्ता का आरंभ हुआ। अभी तक जो खिलाफत थी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ, इस्लाम विभाजित हुआ शिया और सुन्नी के रूप में, और साथ ही राज सत्ता का भी प्रारंभ इसी काल से देखते हैं। अब शिया क्या है, थोड़ा शिया के बारे में जान लें। वर्तमान में जो शिया है वो ईरान में, और सुन्नी जो उमैयद वंश के थे वो सीरिया यानी दमिश्क में उनकी बहुलता है, उनकी प्रचुरता है। और जैसा वर्तमान में ईरान में शिया है तो ऐसे ही अरब देश, तुर्की, मध्य एशिया, इंडोनेशिया, यहाँ अधिकतर सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं, यानी इस्लाम के अंतर्गत ही सुन्नी धर्मावलंबी ज्यादा है। शिया ईरान और साथ ही वहां बगदाद में अब्बासियों का शासन था
और ये जो काल है अब्बासियों के शासन काल का जो उन्होंने इराक से किया उमैयद वंश के बाद, तो जो इराक में जो उन्होंने शासन काल किया बगदाद से, वो इस्लामी धर्म का एक तरीके से स्वर्ण युग कहलाता है। और स्वर्ण युग था, लेकिन हर स्वर्ण युग का एक न एक दिन ह्रास होता है, गिरावट आती है, पतन होता है। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पतन हुआ, इतना अच्छा काल होने के बावजूद पतन अवश्यंभावी था, क्योंकि वही इतिहास है। और उस पतन के फलस्वरूप कुछ नए परिवर्तन आए, और ये जो परिवर्तन जो स्वर्ण युग का जो पतन देखते हैं उसका मुख्य कारण है विभिन्न गुटों में असंतोष। बहुत से कारण थे जिसका जिक्र किया जा चुका है। क्योंकि ये हम टाइम लाइन पढ़ रहे हैं, समय रेखा पढ़ रहे हैं, यहां पर हम केवल ये याद रखें कि अब्बासियों का शासन इस्लामियों का स्वर्ण युग है, और विभिन्न असंतोषों के कारण पतन ह्रास गिरावट शुरू हुई, विभाजन शुरू हुआ, और मामलुक या गुलामी गुलामों की शक्ति में बढ़ोतरी होने लगी। जो गुलाम उन्होंने लाए थे रखे थे, बहुत सारे दास रखे थे, उसका भी जिक्र पूर्व में हो चुका है। इन लोगों की शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। ये जो गुलाम थे या ममलुक थे जो अब्बासियों के बाद से आए, और असंतोष जिसका मुख्य कारण था इनके विभाजन का, चार भागों में विभाजित हुए, चार भागों में बटे। पहला था सेल्जुक, दूसरा खान, तीसरा फातिमी, और चौथा सासानी। सासानी यानी बारंबार मैं आपको बता दूं, सासानी साम्राज्य मूलतः ईरान का था। तो पहला जो सेल्जुक था, सेल्जुक तुर्क से आए थे, तुर्की के जो इस्लाम के अनुयायी थे वे सेल्जुक के वंश के थे, और ये तुर्की से ही गजनी आए। देखिए चलते चलते कहां से कहां तुर्क और कहां गजनी, जो भारत के निकट वहां तक पहुंचे, और फिर भारत में आक्रमण भी किया बारंबार। मोहम्मद गजनी ने तो 16-17 बार आक्रमण किया, और आक्रमण की श्रृंखला जो चलती है वो सेल्जुक के द्वारा शुरू होती है, और वो वहां से गजनी तक आते हैं और फिर भारत पर आक्रमण होते हैं। दूसरी ओर तुर्की तुर्क लोगों में ही एक वंश निकला जो आगे बढ़ के बाबर के रूप में भारत में आया, और भारत में फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर भी सेल्जुक वंशावली का ही एक क्रम था, उसी का एक हिस्सा था। सेल्जुक के बाद दूसरा मैंने खान का जिक्र किया। खान थे मंगोल, मंगोलिया के क्षेत्र में इस्लाम का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वहां के लोग खान कहलाए। तीसरा मिस्र और अफ्रीका के जो बहुत सारे क्षेत्रों में फातिमी वंश के लोगों का दबदबा रहा। आपको याद होगा मिस्र में इजिप्त काहिरा के आसपास पहले ये सीमित थे, फातिमी वंश के लोग वहीं तक सीमित थे, पर धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ और उन्होंने अपना विस्तार क्षेत्र अफ्रीका में रखा, और इस प्रकार फातिमी वंश की बहुलता हम मिस्र और अफ्रीका में पाते हैं। और अंतिम जैसा मैंने बताया सासानी, ये ईरान में इनकी बहुलता थी, और ईरान में ये सासानी वंश का शासन था। अब हम जरा प्रमुख इस्लामिक त्योहारों पर थोड़ा नजर डालें। पहला ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या है, ईद उल फितर क्या है, ये इसका अर्थ है उपवास तोड़ने की दावत। उपवास रखते हैं लंबे समय तक। जिस पूरे माह हजरत ने मक्का में संघर्ष किया था वह रमजान का महीना उसे मानते हैं, और मुस्लिम इस तरह का तप उपवास के रूप में करते हैं। एक माह पूरा ये रहता है और इसे रमजान का महीना कहते हैं। जिस दिन हजरत मक्का से मदीना पहुंचे वही दिन अर्थात हिजरी कैलेंडर का पहला दिन। आपको मैंने पहले बताया था कि हिजरी कैलेंडर क्या है, तो हिजरी कैलेंडर का पहला दिन वो है जिस दिन वो मदीना पहुंचते हैं मक्का से, और इस प्रकार
ये एक माह के उपवास को तोड़ने की जो दावत है वो कहलाती है ईद उल फितर, इसे ईद भी मानते हैं। दूसरा त्योहार है ईद उल जुहा या ईद उल अधा, वहां की भाषा में कहते हैं, अरब भाषा में, साथ में बकरीद भी कहते हैं। तो ये बकरीद क्या है? ये त्योहार उन्हीं इब्राहिम के त्याग के लिए समर्पित है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। आपको याद होगा अब्राहम जो नाम मैं बुलेट ले रहा था, जिनका तीन मुख्य धर्मों से संबंध मैंने बताया था, उसी को इस्लामिक भाषा में इब्राहिम कहते हैं, उनके त्याग को समर्पित है। ईश्वर खुदा ने उन्हें अपने पुत्र इस्माइल की बलि चढ़ाकर त्याग की भावना की परीक्षा लेना चाहिए थी। ये उनके त्याग की भावना की परीक्षा लेने के और यही त्याग मुस्लिमों को सिखाने के लिए इब्राहिम तैयार हो गए थे। तो इब्राहिम के तैयार होने को के परिप्रेक्ष्य में एक तरीके से त्यौहार होता है, परंतु खुदा ने एक भेड़ को स्वर्ग से भेजकर इस्माइल को बचा लिया और इसलिए भेड़ या बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। खुदा ने ही इस्माइल को बचाने के लिए एक एक तरीके से खेल रचा और उन्होंने भेड़ को स्वर्ग से भेजा, उसकी बलि दी और इसीलिए भेड़ या बकरी की बलि उस दिन की जाती है और इसीलिए इसका नाम बकरीद भी है। तीसरा जो प्रमुख त्योहार इस्लाम धर्म का वह है मिलाद उन नबी, मिलाद उन नबी। और मिलाद उन नबी बड़ा समझने में बड़ा सरल है, जैसे हमारे यहाँ रामनवमी, रामनवमी यानी वह दिन जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ था, श्री राम भगवान का जन्म हुआ था उस दिन हम रामनवमी मनाते हैं, वैसे ही पैगंबर के जन्म के अवसर पर मिलाद उन नबी के नाम से त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये उनके तीन त्योहार मुख्य हैं इस्लाम धर्म में। और अब हम आते हैं मुहर्रम। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? आपको बताया था कि चौथे जो खलीफा थे अली, जो पैगंबर के दामाद थे, अली के बाद उमैयद वंश की सत्ता स्थापित हुई, उमैयद वंश उनकी सत्ता स्थापित हुई और उसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है मुआविया को। तो जब मुआविया ने सत्ता तो स्थापित की लेकिन दुर्भाग्य से एक धड़ा अली के पुत्र हुसैन इब्न अली के समर्थन में खड़ा हो गया, अली के पुत्र हुसैन इब्न अली उनके समर्थन में खड़ा हो गया। तो करबला के युद्ध में उमैदों द्वारा हुसैन की पराजय और हत्या का शोक, मैं पुनः दोहरा दूं, करबला के युद्ध में उमैदों द्वारा हुसैन की पराजय और उसकी हत्या का शोक शिया समुदाय मनाता है मुहर्रम के माह में। तो इसलिए इस माह को, इस त्यौहार को मुहर्रम का त्यौहार कहते हैं। और त्यौहार ये एक अपने तई एक तरह से शोक का त्यौहार है, इसमें बधाइयाँ, ये आपको याद रखना होगा, कई बार हम लोगों को बधाई देते हैं इस त्यौहार के उपलक्ष्य में, शुभकामनाएँ भेजते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ये शोक का त्यौहार है इसलिए इसमें बधाइयों आदि नहीं दी जाती और मुहर्रम के रूप में शिया समुदाय के द्वारा इसे मनाते हैं। तो अब हम इस अध्याय के समाप्त होने के बाद, जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया है कि कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, इस उद्देश्य से कि इन प्रश्नों को हल करते हुए आप उत्तरों को पढ़ाए गए हिस्सों से खोजेंगे और ऐसा करते हुए पुनरावृत्ति करेंगे। प्रयास किया गया है कि ये प्रश्न आपके इस अध्याय के लगभग सभी बिंदुओं को छुए। कुल 11 प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो है वह 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इस्लाम के विकास के इतिहास के बारे में किन स्रोतों से जानकारी मिलती है।
स्रोतों के नाम लिखें और संक्षिप्त में टिप्पणी करें। इतिहास के स्रोत इस्लाम संबंधी। दूसरा प्रश्न, पैगंबर को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? इस घटना का इस्लाम के इतिहास में महत्व बताएं। पैगंबर को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? इस्लाम के इतिहास में इसका महत्व। प्रश्न तीन, खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया? यहाँ संस्था से तात्पर्य किसी भवन या स्ट्रक्चर से नहीं है, संस्था अर्थात इंस्टीट्यूशन। तो खिलाफत मतलब खलीफा से संबंध। तो खिलाफत का निर्माण या खिलाफत की शुरुआत क्यों की गई और इस संस्था के क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य से इनका निर्माण किया गया था, ये आपको स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न, अब्द अल मलिक, आपने नाम सुना है, कई बार इसका जिक्र पूर्व में आया है, अब्द अल मलिक ने अरब इस्लामी पहचान को मजबूत करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य उसने किए अपने काल में, और उनमें से किन्हीं तीन कार्यों पर संक्षिप्त में लिखें। पांचवा प्रश्न, धर्म युद्धों का ईसाई और मुस्लिम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? तीन धर्मयुद्ध हमने पढ़े थे जिसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन किया था, उसके उन युद्धों के परिणाम इन दोनों के संबंधों में किस तरीके से उतार चढ़ाव दिखाते हैं, इस पर आपको लिखना है संक्षिप्त में क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न छः, इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं लिखें, बिंदुवार इस्लाम की शिक्षाएं लिखें। सातवां, अब्बासी राज्य कहाँ था? बगदाद से संचालित था। अब्बासी राज्य के कमज़ोर होने के कारण लिखें और उसके क्या परिणाम हुए, यानी अब्बासी राज्य का जब पतन हुआ तो पतन के बाद क्या नई चीज़, क्या नए परिवर्तन आए, इस पर भी आपको संक्षिप्त में लिखना है कारण और परिणाम। आठवां प्रश्न, पैगंबर ने किस प्रकार अरब प्रदेश में अपने प्रभाव को बढ़ाया, अरब प्रदेश के बड़े भाग में अपने धर्म समुदाय और राज्य को बढ़ाने में, विस्तारित करने में सफलता कैसे पाई? अगला प्रश्न, प्रश्न नौ, और वो है मध्यकालीन इस्लामिक समाज। याद रखेंगे मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन इस्लामिक समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा, इसका जिक्र करें। केवल आपको सीमित रखना है इस प्रश्न में, केवल दर्शन और विज्ञान को लेकर, अन्य बातों पर यहाँ पर उत्तर नहीं देना है। दसवां प्रश्न है, मध्यकाल में ही मुस्लिम साम्राज्य के व्यापार, मुस्लिम राज्य के व्यापार की जानकारी दें और बताएं कि मुद्रा के प्रसार में क्या प्रभाव पड़ा। तो व्यापार इस काल का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने अध्याय में बड़े विस्तार से पढ़ा है, उसका संबंध मुद्रा के विस्तार से, मुद्रा के प्रसार से आपको जोड़ना है और ऐसा करते हुए एक लेख लिखना है। और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का वह है कि इस्लामी दुनिया में उनकी इमारतों की विशेषताओं को बिंदुवार लिखें। इस्लामी दुनिया की इमारतों, उन पर बिंदुवार उनकी विशेषताओं को लिखें।